तो दोस्तों एक और बार आपका स्वागत है नेचुरल फार्मिंग में, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म। तो आते हैं इस इन लहलहातों खेतों ने हमें क्या नहीं दिया है, हमारी सांसें, हमारी जिंदगी, हमारे मिनरल, हमारे बॉडी के लिए हर पार्ट का निर्माण दायक ये है, लेकिन इनको वो सम्मान कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और यही है हमारे जो युवा है या बच्चे हैं, वो इन नेचुरल चीज़ों के क्षमताओं के बारे में अवगत नहीं होते हैं, इनसे जो हानियां होता है बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज कुछ नया करना है और हमें आगे बढ़ना है नेचुरल चीज़ों में। तो आ गए हैं आज हम जानते हैं कहाँ। तो आप सामने देखिए क्या है, ये सरसों का खेत है। हाँ, और इसका सरसों के पत्ता के का बनता वानी, साग बनत वानी, साग। तो एगो कहावत सुने हैं कि सुनाए, मजा आएगा लेकिन। तो ठीक है, आगे लेते हैं मजा। आइए देखिए क्या इसके खुशबू है, वाह वंडरफुल, कितना मजा आ रहा है इन पेड़ों के बीच में, इनके कितने कोमल है, लग रहा है एकदम इनके पास रहूं। तो दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि आपको महसूस हो, साग रोटी खाएंगे, जिंदगी संग में बिताएंगे, समझ गए हैं? तो समझिए और आइए आज नेचुरल हर्ट करते हैं। ये देखिए, ये है सरसों का पेड़, कितना कोमल है। इसको अगर ऐसे तोड़ दे, देखिए तोड़े या ना तोड़े बोलिए, दिखाते, ये देखिए कितना कोमल है, जहाँ से पकड़ रहे हैं वहीं से टूट रहा है। ये कितना मस्त इसका साग बनेगा, ओ माय गॉड। कभी शंकर भगवान भी ना ससुरारी में जाके साग खाए गए थे मर्दे, और सगिया जो है सगिया दिया गया था तो बथुआ के साग मिला था, तो उसमें कहानी सरसोइयो ऐड होगा, क्योंकि इसके बिना बथुआ के साग अधूरा रहता है, समझ गए? तो बथुआ के साग इसके बिना का खाएगा, खाली बथुए के साग बनेगा कि सरसोइयो ऐड होगा उसमें? हाँ, सब्जियाँ में खाली सब्जियाँ बनता है कि तेलो ऐड होता है? तो बताइए इन नेचुरल चीज़ों को हम लोग कितना मिस करते हैं। गांव में लोग जो शहर में रहते हैं पोल्यूशन खाते हैं, ऐसी सांस नहीं मिलता उनको। ये देखिए आपस में आस पास में थोड़ा दिखाइए, कितना नेचुरल प्लांट्स हैं, कितने सारे प्राकृतिक पेड़ हैं। यहाँ का जो ऑक्सीजन है, वातावरण है, कितना शुद्ध है, कितना मज़ेदार है, और ये हमारे लाइफ को सेव करता है। तो कहावत है कि कब दूर थे हम तुमसे दोस्तों, कब दूर थे हम इनसे जो इतनी बड़ी मुसीबत कर दी, कब दूर थे हम इनसे जो इतनी बड़ी मुसीबत कर दी, जीने के लिए जो सांसें आवश्यकता है इंसानों को, वो भी हमसे दूर कर दी। तो इंसान के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है सांस है, ऑक्सीजन वो गंदा हो गया हो, अब जिए कोची, ससवे नहीं मिलेगा तो ये जिंदगियाँ चलेगा? तो चलाने वाले कौन है, यही सब है। देखिए इसका साग खाते हैं, हमको बहुत इच्छा है, तो आप लोग बताइए आपको भी चाहिए का, बोलिए तो ले आएंगे, जहाँ बोलिएगा कमेंट करिएगा तो वहाँ हम आपको पहुँचा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए। अगर आप मेरे जगह पे होते तो कैसा महसूस करते हैं, देखिए अगर मैं इसमें बैठ गया, क्या मज़ा आ रहा है इन कोमल पत्तों के साथ ना, क्या फील हो रहा है यार, हैं? ये तो नेचुरल हर्ट हो रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे किसी नाजुक तने के पास मुँह हूँ। और कितना इंटरटेनिंग है, लग रहा है पूरा हरा ही हरा है, पूरा ग्रीनेश है हर जगह, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे वो सांस मिल रहा है जो चैन दे रहा है अंदर से। तो ये नेचुरल हर्ट बोलते हैं, तो ऐसे नेचुरल टच रहना है तभी हमारे लाइफ जो है और बेहतर बन सकता है, क्योंकि जीने के लिए सांस की आवश्यकता है और सांस पेड़ों से मिलता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो सांस कहाँ से आएगा, समझ गए? तो सांस के लिए क्या चाहिए, पेड़ लगाना पड़ेगा। तो सब कोई मिल के पेड़ लगाइए और अपने ऑक्सीजन को बढ़ाइए,
वरना ऑक्सीजन वो एक दिन खरीदना पड़ेगा बोतल से हो, हाँ तो वो कहाँ से आएगा मर्दे, हाँ सभी के लिए ऑक्सीजन खरीदिएगा। जैसे पानी के बोतल खरीदने लगे ना, कोई जानता था कि पनियों खरीदना पड़ेगा, अब तो ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। ये भी समय आने वाला है, तो देख लीजिए, पेड़ लगाइएगा कि ऑक्सीजन खरीदिएगा। तो नेचर को बचाइए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, यही में मजा आवा, तभी ना सब कुछ आपका है। अगर कुछ नहीं होगा नेचुरल चीज़ें, तो हमारे पास क्या है? शहरी लोगों के पास ओनली फॉर बीमारियां आ जाता है, उनके पास क्या ज़िंदगी है? पैसे बहुत हैं, लाइफ स्टाइल एडवांस है, हर चीज़ खाने को मिलता है, लेकिन सांसें सही नहीं मिलता है तो कैसे जियेंगे वो लोग? और वहाँ का प्रभाव कुछ देहातों में आ रहा है, आजकल बहुत गंदगी फैल रहा है, हर जगह इतना नेचुरल चीज़ें नहीं मिलता है। आप देखिए, दूर दूर तक नीचे भी है, सरसों का ही खेत है, देख सकते हैं कितना मज़ा आया यहाँ आकर के, बहुत अच्छा फील हुआ। ये था आपका साथ आज नेचुरल सरसों के साग, आज शाम को साग बनाएंगे, निश्चिंत रहें, और वो साग हम आपको खाते हुए दिखाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।